अब मैं जिस राशि के बारे में आपको बताने जा रही हूँ उसको वृश्चिक राशि बोलते हैं। और वृश्चिक राशि की खासियत क्या होती है, ऐसे लोग ड्यूअल माइंडेड होते हैं, हमेशा हर चीज के उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, ए और बी। उनके साथ खासियत क्या होती है, वो ए को चूज कर लेते हैं तो बी के लिए दुख बनाते हैं और बी को चूज कर लेते हैं तो ए के लिए दुख बनाते हैं। हमेशा उनके माइंड में छोटी छोटी बातों को लेके फैसले करने की क्षमता कम होती है। ऐसे लोगों को किसी अच्छे ज्योतिषी से राय लेके मूंगा पहनना चाहिए, जो कि उनकी निर्णय क्षमता को इंक्रीज करता है, उनकी जो ड्यूअल माइंडेडनेस को कम करता है। इस राशि के लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि भी शनि के लिए अच्छी राशि होती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा, क्योंकि वृश्चिक अपनी मित्र राशि मतलब मंगल अपनी चंद्रमा के साथ बैठा हुआ और केतु के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों का दिमाग इस साल बहुत ज़्यादा खुरापाती होने वाला है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें करने वाले हैं जो अलग हटके हों या अलग डिसीजंस लेने वाले हैं। इस राशि के साथ एक थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि ड्यूल माइंडेड है तो जब कोई डिसीजन ले लेगी जब तक उसका रिजल्ट नहीं पाएगी तब तक थोड़ी बेचैनी का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा। पर मंगल इनकी जिंदगी में उन्नति लेके आएगा, सही निर्णय इनकी किस्मत को पलट देगा और लंबे समय से अगर इनके साथ कोई अपनी सफलता का इंतजार कर रहे हैं तो वो सफलता अब इनको मिलने वाली है। आध्यात्मिक ज्ञान में इनकी रुचि बढ़ने वाली है, पर अगर ये किसी सरकारी महकमे में हैं तो अधिकारियों का अजीब और गरीब व्यवहार इनके लिए थोड़ा सा परेशानियां पैदा कर सकता है। उससे आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वाद विवाद से बचिए, क्योंकि वाद विवाद में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। कैरियर आपका इस साल मुस्कुराने वाला है और नई किरणें नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए शुभ रंग होता है केसरिया और लाल, शुभ अंग इनके लिए होता है 3 और 9, शुभ ग्रह इनके लिए होते हैं सूर्य और मंगल, शुभ दिशा इनके लिए होती है दक्षिण और शुभ रत्न इनके लिए होता है मूंगा।